नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल BSA ट्रिकी क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कुछ हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस करने वाला, और ये दोस्तों जो है आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज आप लोग के साथ डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, ठीक है, हिस्ट्री से रिलेटेड। तो आपको बता दें, यहाँ पर सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया जैन धर्म की बात करें, तो यहाँ पर जैन धर्म में 5 व्रत थे, ठीक है। तो उन 5ों व्रतों में सबसे जो महत्वपूर्ण व्रत था तो ये कौन सा है, तो ये व्रत है अहिंसा का। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये व्रत है अहिंसा का, जितना मैं आपको करा रहा हूँ बिल्कुल साथ में याद करते चलिए। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, जैन मत का जो सर्वाधिक प्रचार और प्रसार हुआ था ये किस समुदाय में हुआ, तो ये हुआ था व्यापारी वर्ग में, ठीक है दोस्तों। तो किस समुदाय में हुआ था, ध्यान रखिएगा ये व्यापारी वर्ग में हुआ था। अब देखिए जैन धर्म की बात करें तो इसमें श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है ना, इन संप्रदायों में कब विभाजित हुआ था, ठीक है। जैन धर्म जो था बाद में दो संप्रदायों में विभाजित हुआ था, एक था आपका श्वेतांबर और एक था दिगंबर। श्वेतांबर लोग जो दोस्तों सफ़ेद कपड़े पहनते थे, ठीक है, और दिगंबर लोग दोस्तों जो नग्न अवस्था में रहते थे। तो जैन धर्म जो था इन दो संप्रदायों में विभाजित हो गया था। तो ये किसके समय में विभाजित हुआ था, तो आपको बता दें ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, ठीक है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विभाजित हुआ था। अब देखिए बात करते हैं क्वेश्चन फोर्थ, यहाँ पर दिया गया महावीर स्वामी को अपने दामाद जमाली से किस सिद्धांत पर मतभेद हुआ, अहिंसा, शैववाद, क्रियामकृत या फिर ब्रह्मचर्य। तो आपको बताएं क्वेश्चन नंबर जो फोर्थ का आप लोग का राइट आंसर है ये है, आप इस सिद्धांत पर ही इनका मतभेद हुआ था, जो महावीर स्वामी जी थे, ठीक है ना, तो इनके जो दामाद थे जमाली, तो इनसे जो था क्रियामकृत सिद्धांत पर इनसे मतभेद हो गया था। और जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं फिफ्थ क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जैन धर्म के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो जैन धर्म में यहाँ पर आपको बता दें, आपको ये बताने इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। अगर आप लोगों ने जैन धर्म थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा, सही से पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा इसमें से कौन सा गलत है। तो चलिए इसमें सारे ऑप्शन पढ़ते हैं यहाँ पर, ताकि आप लोग समझ जाएं इनमें से कौन कौन से सही हैं, क्योंकि आपको सही पता होना चाहिए। अगर आपको सही पता है तो गलत ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो जैसा कि दिया गया, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व जो था स्वीकार किया गया है, जैन धर्म में देवताओं का अस्तित्व जो है बिल्कुल स्वीकार किया गया था। यहाँ पर देवताओं को जो था, यहाँ पर देवताओं को माना गया था, इनके अस्तित्व की, यहाँ पर उनके अस्तित्व को स्वीकार किया गया था। नेक्स्ट यहाँ पर पॉइंट दिया गया, वर्ण व्यवस्था की निंदा हुई थी। तो आपको बताया दोस्तों, यहाँ पर वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई थी। पूर्व जन्म में अर्जित पुण्य पाप के आधार मनुष्य का जन्म उच्च या निम्न कुल में होता है, ये भी सही है। और जैन धर्म में अपने को स्पष्टतः ब्राह्मण धर्म से अलग नहीं किया, तो ये भी बिल्कुल सही। तो इसका जो बी वाला आंसर है वो बिल्कुल सही है, क्योंकि दोस्तों जैन धर्म में जो था वर्ण व्यवस्था की जो थी निंदा जो थी नहीं की गई थी, और यहाँ पर कह दिया गया की गई थी। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो यहाँ पर देख सकते हैं, तो 6th क्वेश्चन दोस्तों, 6th का रहा ये तो अभी वही वाला है, 6th क्वेश्चन आपका ये रहा, रिपीट हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 6th क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, जैन तीर्थांकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने दोस्तों जो है 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था। तो दोस्तों अभी आपको बताया गया था यहाँ पर, तो इसका जो राइट आंसर ये है ब्रह्मचर्य, ठीक है ना। जैन तीर्थांकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में से महावीर स्वामी ने 5वें व्रत के रूप में क्या जोड़ा था, तो ये जोड़ा था ब्रह्मचर्य, क्लियर है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर 7th क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया कि बुद्ध को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो देखिए भगवान जो गौतम बुद्ध जी थे, तो इन्हें किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर ये है निरंजना नदी के किनारे, ठीक है ना। तो ज्ञान प्राप्ति दोस्तों इन्हें किस नदी के तट पर हुई थी, आप सभी को पता है, ठीक है। इसके बाद देखिए आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए कि इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो निरंजना नदी के किनारे हुई थी। इसके बाद देखिए 8th क्वेश्चन है कि पूर्णिमा के रात में बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है महात्मा बुद्ध के लिए महत्वपूर्ण है। तो आपको सीधे बताते हैं इसका जो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का, तो ये पूर्णिमा को बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। पूर्णिमा को जो है गौतम बुद्ध जी ने जो है यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति की थी, और कहाँ की थी, किस नदी के तट पर की थी, तो ये की थी निरंजना नदी के तट पर, ओके। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोधगया में स्थित वह बोधि वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध जी को जो था ज्ञान प्राप्त हुआ था वो किस शासक के द्वारा कटवाया गया। तो दोस्तों क्या आप लोगों ने इस बात पे कभी ध्यान दिया कि जो बोधगया स्थान था जहाँ पर गौतम बुद्ध जी को जो था ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, जो वह बोधि वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर उन्होंने जो था तपस्या की थी, तो उन्हें जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी उस वृक्ष को जो है किस शासक के द्वारा कटवाया गया था। तो आपको बता दें इसका जो राइट आंसर है यह है गौड़ के राजा शशांक के द्वारा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा 9th का आंसर आप लोग का गौड़ के राजा शशांक के द्वारा। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th आपको दिया गया है, भारत में पूजित
पहली मानव प्रतिमा कौन सी थी? तो दोस्तों ये थी महात्मा बुद्ध जी की, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी की जो मानव प्रतिमा थी ये पहली बार भारत में पूंजी गई थी। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं, 11th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ग्रह त्याग यानी कि महाविनिष्क्रमण, ठीक है। तो ग्रह त्याग की घटना को दोस्तों यहाँ पर बोलते हैं महाविनिष्क्रमण। तो आपको बताते हैं, इसके बाद बुद्ध ने सर्वप्रथम किससे जो है दोस्तों किससे उपदेश प्राप्त किए? तो ग्रह त्याग के बाद गौतम बुद्ध जी ने सर्वप्रथम जो उपदेश प्राप्त किए थे, ठीक है, तो ये आपको बताएं, ये किए थे अलार और उद्रक से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो 12th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि किस बौद्ध संगीति में, बौद्ध बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था चतुर्थ में, ठीक है। तो जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी, इसमें बौद्ध धर्म ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग भी प्रारंभ हुआ था। इसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश को क्या कहा गया था? दोस्तों आप सभी जानते हैं इन्होंने जो प्रथम उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और जो आपको बता दें कि बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को कहा क्या गया, तो ये कहा गया था इसको धर्मचक्र प्रवर्तन, ठीक है। क्या कहा गया था इसको? कहा गया था धर्मचक्र प्रवर्तन, क्लियर है, ओके। इसके बाद दोस्तों देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? 5, 6, 8 या फिर 9? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 8, ठीक है। तो उनकी मृत्यु के पश्चात उनके शरीर के अवशेषों पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। और देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के बारे में क्या असत्य है? तो इनके त्रिरत्न के बारे में जो असत्य बात है यह है स्तूप, ठीक है। बाकी धम्म, संघ और बुद्ध ये क्या त्रिरत्न है, बाकी सारे ये जो स्तूप है ये क्या है, ये त्रिरत्न में जो है ये असत्य है, ठीक है। और स्तूप जो है किसके प्रतीक माने जाते हैं? स्तूप आपको बता दें ये जो प्रतीक माने जाते हैं, ये माने जाते हैं महापरिनिर्माण के, ठीक है। 17th क्वेश्चन की बात करें कि बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता की दी गई थी? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ये है आप लोग का वज्रयान, ठीक है, ये राइट आंसर है इसका। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 आपको दिया गया है कि बुद्ध के वर्षाकालीन निवास के लिए वेलुवन और जेतवन का निर्माण क्रमशः जो था किन लोगों ने करवाया था? तो ये जो करवाया था आपको बता दें, बिंबिसार और जेत राजकुमार जी ने, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इसका राइट आंसर आप लोग का सी वाला। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पर दिया गया है, देखिए कि बुद्ध धर्म के 5 महाव्रतों का उल्लेख जो है ये सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जैसे कि बौद्ध धर्म के में जो थे 5 महाव्रत थे इसमें, और इसका जो उल्लेख है ये किस में मिलता है? मुंडक उपनिषद में। तो आपको बता दें ये जो मिलता है डायरेक्ट बताते हैं, ये मिलता है इसका छांदो में, ठीक है ना, छांदो गयो उपनिषद में, क्लियर है, ओके। ये जो मिलता है ये मिलता है छांदो उपनिषद में मिलता है। और इसके बाद दोस्तों बौद्ध संगति की बात करते हैं, तो टोटल 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति और चतुर्थ बौद्ध संगति, ये कहाँ हुई थी तो ये आपको बताना। तो इसका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर जैसे कि आपको दिया गया है ये है आपका अला, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो प्रथम बौद्ध संगति हुई थी ये हुई थी दोस्तों राजगृह में, ठीक है, सप्तकर्णी गुफा राजगृह में हुई थी। इसके बाद द्वितीय बौद्ध संगति की बात करते हैं, तो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी वैशाली में। तो दोस्तों आप लोग हमें कमेंट में ये बताएंगे कि प्रथम बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी और चतुर्थ बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी। और तीसरी बौद्ध संगति की बात करते हैं तो दोस्तों ये जो हुई थी ये हुई थी पाटलिपुत्र में, और चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी कुंडलवन में, ठीक है। तो पहले कश्मीर को कुंडलवन नाम से जाना जाता था, ठीक है, तो कुंडलवन ये कश्मीर है, कश्मीर में, ओके। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आप लोग के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या है कि बुद्ध के प्रारंभिक अनुयायियों में सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो आपको बता दें जो सर्वाधिक संख्या है ये है ब्राह्मणों की, क्लियर है, इनके अनुयायी में जो है सर्वाधिक संख्या जो है ब्राह्मणों की है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जैसे कि यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन में आप लोग को यहाँ पर 5 बातें सिखाई गई हैं, लेकिन आपको यहाँ पर इसको जो है अलग अलग याद करना पड़ेगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है। अब जैसे कि यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 में, तो जन्म दिया है, महाविनिष्क्रमण दिया है, महाबोधि दिया है, धर्मचक्र प्रवर्तन दिया, महापरिवार महापरिनिर्माण दिया, तो ये सब कहाँ हुआ था ये आपको बताना। तो इनका दोस्तों जन्म जो हुआ था ये हुआ था दोस्तों लुम्बिनी में, ध्यान रखिएगा बुद्ध जी का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। महाविनिष्क्रमण ये कहाँ हुआ था दोस्तों? तो ये हुआ था दोस्तों कपिल वस्तु में। महाबोधि की दोस्तों बात करें, ठीक है,
जन्म हुआ था लुम्बिनी में, महाविनिष्क्रमण दोस्तों इसकी बात करें तो ये हुआ था दोस्तों आपका कपिल वस्तु में। इसके बाद दोस्तों ये जो महाबोधि दिया हुआ है ये हुआ था गया में। और धर्म चक्र प्रवर्तन दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, और ये जो हुआ था सारनाथ में हुआ था, ठीक है ना। ये प्रथम उपदेश को कहा गया था, और प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए गए थे, और महापरिनिर्वाण ये हुआ था कुशीनगर में। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर आप लोग का बी वाला है। ओके, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या आप लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर है, जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली जो पहली महिला थी, तो इनका नाम था दोस्तों गौतमी। क्या नाम था दोस्तों? इनका नाम था गौतमी। और ये गौतमी कौन थी, तो इसका जवाब भी आप लोग हमें कमेंट करके बताएंगे। देखते हैं यहाँ पर आप लोगों में से किसे पता है, देखते हैं किस किस के रिप्लाई यहाँ पर आने वाले हैं। ओके, और दोस्तों आप लोग लाइक ज़रूर किया कीजिए, जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारे जो है कितने लोग जो हैं वीडियो पसंद कर रहे हैं, कितने लोगों को समझ में आ रहा है। और आप लोग अगर वीडियो लाइक करते हैं तो इसी तरीके से आप लोग को और वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगे, और भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाए जाएंगे। ओके, और इसके प्रीवियस पार्ट आप लोग सभी देख लीजिएगा, उसके जो लिंक है मैं आपको जो है टेलीग्राम पर मैंने शेयर कर रखी है कई सारी वीडियो, अब वो आप सभी लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो इंपॉर्टेंट बुक्स हैं उसका लिंक भी हमने आपको डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करा रखा है, ताकि दोस्तों आप लोग जो है अगर कोई बुक परचेस करना चाहते हैं तो आप लोग वो ले लीजिएगा, आप लोग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या दिया गया कि बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग के बारे में सर्वप्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? तो दोस्तों ये जो मिलती है अभी जैसा कि अभी आपको बताया गया था, इसके बारे में जो जानकारी मिली ये मिली है छांदोग्य उपनिषद से, ठीक है। छांदोग्य उपनिषद से जो है बुद्ध जी के अष्टांगिक मार्ग के बारे में प्रथम जानकारी मिलती है। और बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन जो आप लोग को यहाँ पर दिया गया है कि महात्मा बुद्ध के विषय में निम्न में से क्या असत्य है? तो दोस्तों ये जो असत्य की बात दी गई ये सीधी बात बताते हैं आपको, ये पुनर्जनन में विश्वास नहीं करते थे, तो यही बात गलत है, जबकि जो था ये जो थे पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। बाकी ये अनीश्वरवादी थे, अनात्मावादी थे, और यज्ञ कर्मकांड और पशु बलि के विरोधी थे, लेकिन ये बात कही गई यहाँ पर पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते, तो ये गलत है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। ओके, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अब आप लोग हम इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोगों से इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो बने रहेगा दोस्तों आप लोग अपने चैनल बीएससी ट्रिकी क्लासेस में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।